ईंट, कहीं का रोड़ा। सभी पार्टियों ने जनता का दिल तोड़ा। कई सरकारें आई और गई, लेकिन सालों बाद भी पुल का सपना सपना ही रहा। नमस्कार, सीएमएन न्यूज के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका। चुनावों के वक्त जनता को रिझाने के लिए नेता क्या क्या नहीं बोलते, यहां तक कि मतदाताओं के घर आकर खाना तक खाते हैं और उनकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कहते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद ना तो नेता जनता को पूछते हैं और ना ही उनकी उम्मीदों के बारे में जानना चाहते हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाले यमुना पुल का निर्माण आज तक अधर में लटका पड़ा है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं बल्कि चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी देखिए गंगोह से हमारे संवाददाता तीर्थ चौधरी की ये खास रिपोर्ट, जो चीख चीख कर सरकारी दावों की पोल खोल रही है। लोकसभा चुनाव मतदान से पहले खुली सरकारी दावों की पोल। 10 सालों से अधर में लटका यूपी हरियाणा यमुना पुल का निर्माण। यमुना नदी पर क्यों नहीं बन पाया पुल? आखिर क्या है सरकार की मंशा? क्यों नहीं बन पा रहा पुल? इतिहास गवाह है कि जब जब चुनावों का दौर आता है तब तब राजनीतिक दलों ने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया। जनता को लुभाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है ताकि वो चुनाव में जीत दर्ज कर सके, लेकिन जीतने के बाद ना तो पार्टी को जनता की याद आती है और ना ही अपने किए हुए वादों की। क्योंकि सहारनपुर जनपद में गंगोह क्षेत्र के दौलतपुर घाट में बन रहे यमुना पुल का निर्माण 10 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। ये पुल उस समय शुरू हुआ था जब राज्य से बसपा सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार, उसके बाद भी प्रदेश में सपा सरकार, लेकिन अब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह ही बीजेपी सरकार है। लेकिन सभी सरकारें अपने कार्यकाल में ही पुल शुरू करने की बात कहती रही, लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है, पुल का निर्माण आज भी अधूरा है। इसके ना बनने के कारण बहुत परेशानी है। मैं करनाल पढ़ने जाता हूँ तो मुझे सफर में बहुत दिक्कत पड़ती है। अगर ये पुल जल्दी तैयार हो जाता है तो हमारी पढ़ाई अच्छी और सही तरीके से होगी। मैं सहारनपुर जिले का हूँ तो हमें करनाल में इससे पास पड़ेगा, जिससे कि हम करनाल में जाकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पुल के बन जाने के बाद हरियाणा महज 10 मिनट की दूरी पर रह जाएगा, लेकिन पुल ना बनने की वजह से लोगों को गंगोह से करनाल के लिए लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं इस पुल के बनने के बाद सहारनपुर जिले के कई क्षेत्र ग्रीन बेल्ट से जुड़ जाएंगे। जब इस पुल की शुरुआत हुई थी तो इसके निर्माण की 2 साल की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन आज लगभग 10 साल पूरे होने के बाद भी इस पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। 2 सरकार जा चुकी है और 3री चल रही है जब से इस पर काम चल रहा है। अगर यह पुल बन जाता है तो इस क्षेत्र का बहुत ही विकास होगा। जो किसान हैं वो इस पुल के द्वारा अपना अनाज आसानी से किसी भी मंडी में ले जा सकते हैं और इससे क्षेत्र को भी बहुत ही फायदा होने वाला है। ये पुल ना बनने की वजह से हम दूसरे पुल को जाते हैं जो बिडोली साइड में है। बहुत ही लंबा सफर पड़ता है जिसके द्वारा हम वहाँ को घूम के आना पड़ता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत गंगोह के लखनौती दौलतपुर घाट को हरियाणा के करनाल के शेरगढ़ टापू को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण 2009-2010 में शुरू हुआ था। अब करीब 10 वर्ष बाद भी स्थिति यह है कि पुल का निर्माण अभी भी अधूरा है। वहीं इसका बजट भी बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हो गया है। वर्तमान में पुल की लागत करीब 52 करोड़ रुपए है, जबकि शुरुआत में इसकी लागत करीब 24 करोड़ रुपए आंकी गई थी। समय से पुल निर्माण न होने पाने का सीधा असर क्षेत्र के विकास पर पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र का विकास बाधित है। दरअसल इस पूरे बेल्ट में बड़ी संख्या में लोगों का हरियाणा से जुड़ाव है और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए यूपी के सहारनपुर जितना ही हरियाणा के करनाल पर भी निर्भर है।
2013 में यमुना नदी में आई बाढ़ के चलते न सिर्फ बजट में बदलाव हुआ बल्कि काम भी बढ़ गया था। इसके बाद काफी दिनों तक पुल राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई में उलझा रहा, लेकिन अब इस पुल के निर्माण न होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पुल बहुत दिनों तक पड़ा भाई, कि हमारी सरकार से मांग है कि हमने आने जाने में बहुत सहूलियत मिलेगी जो ही तैयार हो जाए पुल, लेकिन बहुत काफी दिनों तक काम चल रहा है इसमें, लोग हुआ नहीं पूरा। बहरहाल जिस पुल निर्माण में 2 साल का समय आंका गया था, आज उस काम को लगभग 10 साल होने वाले हैं, लेकिन काम फिर भी अधूरा पड़ा है, जिसे देखते हुए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राज्य में तीसरी सरकार राज कर रही है, लेकिन पुल निर्माण अधर में क्यों है? सवाल ये भी है कि जब इस पुल निर्माण की समय अवधि थी तो ये समय पर क्यों नहीं बना? सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये पुल निर्माण सरकारी तंत्र की लापरवाही की भेंट चढ़ा? सवाल तो यहाँ पर काफी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इन सवालों का जवाब कौन देगा? गंगोह से तीर्थ चौधरी, CNN न्यूज। घंटों की दूरी को चंद मिनटों में पूरी करने वाला यह पुल आज भी अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है। गंगोह थाना क्षेत्र के लखनौती में बना हुआ यह ब्रिज को हरियाणा से जोड़ता है। पहले सपा बसपा गई, फिर सपा गई, अब बीजेपी की बारी है, लेकिन किसान आज भी टकटकी लगाए इस पुल की तरफ देखता है। गंगो का यह क्षेत्र यमुना खादर अगर हरियाणा से जुड़ता है तो विकास की गंगा जरूर बहेगी। फिलहाल जनता को अभी भी उम्मीदें हैं कि ये पुल जल्द ही बनेगा, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि यमुना नदी पर बनने वाला पुल निर्माण आखिर कब तक पूरा होगा। खास पेशकश में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।